हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई मैं आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए आज। बाकी मैं अभी गया हूँ, अभी मैं अपनी बियर्ड सेट करवा के आया हूँ। और भाई ये देखो, अभी मैं करवा आया हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक को धुल लूँ क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो रही है, कई दिनों से धुली नहीं है। उस दिन मैं प्रेशर पे बाहर धुलवा लाया था, बाकी मैं आज सोच रहा हूँ अभी घर पे ही धुले लेता हूँ, गंदी हो गई है। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ बाइक धुलने के लिए। बाइक धुलने के बाद नहाऊंगा, तो पहले फटाफट बाइक धुलने, अपनी बाहर खड़ी हुई है रानी अपनी, तो अभी चलते हैं उसको धुलते हैं चल के फटाफट से। तो भाई ये रही अपनी रानी और इसको मैंने धुलना कर दिया स्टार्ट, पानी वगैरह डाल चुके हैं, अभी इस पे लगाने जा रहे हैं साबुन वगैरह। तो भाई फटाफट इसको हम धुल दें और उसके बाद फिर नहाएं। तो भाई बाइक धुल दी है मैंने और मेरी बाइक उधर खड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। धुल के मैंने उधर खड़ी कर दी क्योंकि यहाँ पे गंदी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने उधर कर दी है। तो भाई मैंने अपनी रानी को खड़ा किया है वहाँ पे, ये देखो उमेश बाबा के करके बाहर खड़ी हुई है। और वहाँ पे अभी सूख जाएगी जल्दी से क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह भर जाता है ना, तो यहाँ कहीं खड़ा करते हैं तो लोग इसी में से निकल के लेके जाते हैं बाइक वगैरह, फिर वो छिट्टी आती है तो गंदी हो जाती है। इस वजह से उधर मैंने धुल के खड़ा किया है उसको और अभी सूख जाएगी। और भाई मैं जा रहा हूँ नहाने अब क्योंकि नहाने का टाइम हो गया है, तो मैं नहा लूँ। और फिर मैंने जो आप लोगों से बोला था ना पिछले ब्लॉग में, दो ब्लॉग पहले बोला था शायद मैंने कि कोई बात है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरे को करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए, तो आप लोग बताओगे वैसा ही होगा फिर। तो भाई बाकी अभी मैं नहा लूँ जाके और दीदी इधर बना रही है खाना। भाई जो रात को मैंने कद्दू कट किया था, आज भाई कद्दू बने हैं और पराठे बने हैं, तो भाई कद्दू पराठा खाएंगे साथ में। लेकिन उससे पहले नहाना है अपने को। भाई मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी और मेरा लग गया है खाना, ये रखा मेरा खाना कद्दू और परेठा। तो भाई फटाफट खाना खाते हैं और फिर जाते हैं किट्टू को लेने के लिए। और भाई आज मैं सोच रहा हूँ अपनी चोटी बनवा के देखो क्योंकि मैं जब बियर्ड सेट करवाने गया था ना तो वहां पे मैंने देखा अपने बालों को पकड़ के, तो लग रहा था कि चोटी बन जाएगी। तो अभी मैं ट्राई करवा के देखूंगा, पहले खाना खा लूँ उसके बाद ट्राई करवाता हूँ। तो भाई मैंने खाना खा लिया और अभी मम्मी बनाने जा रही है चोटी, और देखो भाई कैसे बनती है मेरे को पता नहीं है, मम्मी से बनवा के देखेंगे। रोज थोड़ी मम्मी बनाओ करे, अपने खुद बनाओ करे। हम जी वाले बाल पकड़ो ऊपर, जी वाले पूरे इनके साथ। अभी ऊपर बच्चन जैसी मत बना दो, बच्चे की बनती है बच्चा तो भाई। नहीं पीछे वाली बनाओ, जो बाहर जो पिंड करना है नहीं, जहाँ आइए तहीं तक तो पकड़े पकड़े जाएंगे, जे निकल जाए। भाई ये देखो ये चोटी बनी है यहाँ पे, दिखा रहा है एक बार आप लोगों को, देखो तो भाई वो चोटी तो बहुत यहाँ पे बन रही थी इस जगह पे, तो मैंने इस वजह से वो खोल दी है और मैं वो चोटी नहीं रखूंगा। जब अपने हेयर अच्छे और थोड़े बड़े हो जाएंगे तब बनाए करेंगे, जब यहाँ पे पीछे बनना स्टार्ट होगी इस जगह पे। बाकी वो तो यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ पे थोड़ा ना रखी जाती है, छोटे बच्चों की बना देती मम्मी फूल जैसा, वैसे ही बन रही थी तो मैंने इस वजह से हटा दी। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ किट्टू को लेने के लिए, तो किट्टू को लेके आते हैं और फिर आप लोगों को जो बात है वो बताते हैं। तो भाई मैं किट्टू को लेके आया, उसके बाद से कर रहा था रेस्ट, अभी भी रेस्ट ही कर रहा हूँ। और किट्टू देख रही है लैपटॉप पे मूवी, देखो पढ़ने में मन नहीं लगता, 12th है पढ़ेगी नहीं, मूवी देख रही है बैठी। मैं दिखा रहा आप लोगों को एक बार, ये देखो ये लैपटॉप रखा है उस पर मूवी चल रही है और मूवी देखी जा रही थी इस पर। तो अगर इनके स्कूल के टीचर वगैरह देखते हैं तो देख लें काजल को, ये क्या करती हैं घर पे बैठ के, पढ़ती नहीं, हंस रही हैं, दांत दिखा रही हैं लेकिन पढ़ेंगी नहीं ये। तो इनके स्कूल के कोई भी टीचर देखते हो तो, या कोई स्टूडेंट देख रहा हो वीडियो मेरा, सब देखते तो हैं। इनकी शिकायत जरूर करें और ये चीज़ जरूर दिखाई जाए कि ये क्या करते हैं घर पे आके। मैं कभी देख लूँ मूवी ही चल रही, देखो है, देखो ये देखो, तो इनकी शिकायत जरूर की जाए कि 12th के एग्जाम है और ये पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, ये दशा है इनकी। और देखो कितनी बेशरम है, अभी तक बंद नहीं किया गया, ये नहीं सोच रही कि पढ़ लें हम जाके, क्या होगा भगवान इनका। भगवान भला करे। तो भाई जो बात थी बताने के लिए वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं और आलोक, मैं दोनों लोग सोच रहे हैं कि जाऊं और मैं, हम लोग मिलके आए या किस शिवानी कुमारी से।
तो आप लोग ये चीज कमेंट में बताइए कि मिलना चाहिए, मिलने जाना चाहिए या नहीं मिलने जाना चाहिए। शिवानी कुमारी भाई जो यूट्यूबर हैं, उन तो मैं लोग सोच रहा हूँ उनके गांव जाऊँ और उनसे मिल के आऊँ और आप लोगों को भी मिलवाऊँ, उनसे दिखाऊँ आप लोगों को। तो भाई ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जाना चाहिए हम लोगों को या नहीं जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा भी आप लोग कमेंट में बताएंगे तो भाई वैसा ही करेंगे फिर हम। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो पे व्यूज़ बहुत अच्छे लाने से होंगे आप लोगों को, तो हम लोग बहुत जल्द मिलने जाएंगे उनसे और आप लोगों को भी दिखाएंगे और पूरा बताएंगे उनके बारे में, जो भी होगा जैसा होगा उनका गांव वगैरह सब कुछ। तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी है तो बताइएगा ज़रूर, तभी हम लोग जाएंगे। और व्यूज़ भी अच्छे से व्यूज़ आने चाहिए वीडियो पे, बन के प्लस करवाने हैं व्यूज़, क्योंकि वीडियो मेरी ऐसी ज़्यादा नहीं है जो बन के प्लस में हो। तो आप लोगों को बन के प्लस व्यूज़ अगर लेके आते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे और मिल के आएंगे जाके। तो भाई मैं भी जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, तो यहाँ से जाके दूध ले आऊँगा, क्योंकि पीछे से आता है वहाँ से। और भाई पापा जी हो रहे हैं रेडी, तो वो जा रहे हैं दावत में। मम्मी बना रही है बत्थू आगे, और मम्मी बनाने जा रही है बत्थू के पराठे। तो इस सुबह मैंने लिया था किट्टू बता, सब देखो अपना अपना बता रहे हैं अब सब लोग कौन क्या कर रहा है। मम्मी अपना बता रही है, किट्टू अपना बता रही है, और भाई मैं तो जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। ये ले लिया मैंने दूध का डब्बा, तो फटाफट जाते हैं और दूध लेके आते हैं जाके। तो भाई दूध लाने के बाद मैं आ चुका हूँ रैक्सी को लेके घुमाने के लिए, और भाई अभी इसको घुमा रहे हैं। और पीछे देखो बाबा के प्लॉट पे काम बाकायदा बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो चुका है। पीछे देखो पिलर वगैरह भरे जा रहे हैं, वो तो भरते रहेंगे, बाकी मैं इसको थोड़ी देर घुमा लूँ। तो भाई मैं रैक्सी को घुमा के आ चुका हूँ, रैक्सी को बांध दिया है और अभी जा रहा हूँ गांव से दूध लेने के लिए, क्योंकि पापा गए हैं दावत में। तो भाई गांव से दूध लेके मैं आता हूँ, बाकी मम्मी हो चुकी है फिर से रेडी, और मम्मी जा रही है फिर से बुलावा। पीछे परिवार के हैं अंकित भैया, उनकी शादी है, उनकी मतलब शादी है, तो बुलावे वगैरह चल रहे हैं। मम्मी कह रही उनकी ताई है आज, जैसे हम इतने बुद्धू हम बता ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो भाई मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए गाँव से, तो फटाफट दूध ले आऊँ गाँव से। तो भाई अपना गीजर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, और अभी मैं वहां से दूध लेके आया। उसके बाद चाचा आ गए हैं, जो अपने यहाँ का पूरा पानी वगैरह वाला जितना भी सेट है वो पूरा चाचा ने किया हुआ है, और यही करते हैं आके हमेशा, कुछ भी होता छोटे से बड़ा काम सब चाचा करते हैं। बाकी अभी गीजर गड़बड़ हो गया तो चाचा रात में देखने के लिए आए, सुबह मैंने कॉल की थी तब काम पे थे, तो वहां से अभी आए तो रात में देख रहे हैं, घर जाने की वजह मेरा काम कर रहे हैं। तो समझो चाचा कितने अच्छे, तुरंत बुलाओ तुरंत आ जाते हैं, काम कर देते हैं जितने भी टाइम टाइम मिलता है। भाई अभी सेट करवा रहे हैं, गीजर चल नहीं रहा था, पानी गर्म नहीं हो रहा था इससे, तो भाई अभी वो सही करके जाएंगे। तो भाई गीजर सही हो चुका है और वो भैया चले गए हैं, मतलब चाचा कहते हैं उससे, तो वो चले गए हैं। बाकी भाई आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जो भी काम करने वाला था उनसे मैं सभी से चाचा ही कहता हूँ, चाचा या भैया। तो भाई वो सही करके चले गए, चालू हो गया है वो। बाकी अभी मैं खाने जा रहा हूँ खाना, रात का खाना जो भी है वो खाऊंगा। तो आज बने हुए हैं बत्थू के परेठा, और मैंने अपने लिए चाय बनवाई है, और बत्थू का रायता भी बना हुआ है, बट मैं रायते से नहीं चाय से खाऊंगा, क्योंकि मेरे को जुकाम है और कल फीवर सा भी लग रहा था इस वजह से। तो भाई अभी आ रहा है और फिर मैं खाता हूँ। तो भाई ये आ चुका है अपना खाना, ये रहे अपने आलू वो बत्थू के परेठा और चाय। तो भाई खाते हैं इसको, और इधर रायता भी रखा है, ये बत्थू का ही रायता है। तो भाई मैं खाना खा लेता हूँ, और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पूछा है कि मिलने जाना चाहिए शिवानी कुमारी से या नहीं मिलने जाना चाहिए, तो इस चीज को आप कमेंट में बताइएगा, और जैसा कि आप लोग बताएंगे और वीडियो को अपर लेवल तक लेके जाएंगे तो हम 110% जाएंगे मिलने के लिए। भाई अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और एक प्यारी सी कमेंट कर दे, और जिसको भी खाना खाना है वो मेरे साथ आ जाए और बत्थू के परेठा और चाय रायता साथ में खाया के। और अभी के लिए बाय।